Thank you, sir. Bye. वैसे प्रीमियर के बाद क्या करना है? संभाल क्या? हाँ हाँ. तो तुम्हारा फेवरेट थाई फूड खाने चलेंगे? वाओ, तुम्हें मेरी पसंद अभी तक याद है? वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमने साथ में खाना नहीं खाया है, याद है? केदारी है ये. ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ फ्रेडी? अरे काफी देर से देख रहा हूं यार, तुम किसको फोन लगा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही. अच्छा अच्छा, ऐसे ही. अरे फ्रेडी, भाभी जी का फोन लग तो रहा है, तुम किसको लगा रहे हो? अरे सर, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बीवी को फोन लगा दिया. अच्छा, ये बात है. भाभी जी के पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो तुम. सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था. अच्छा, एसीपी साहब को लगा रहे थे? चलो अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, भाभी जी ने फोन नहीं उठाया. सर, एक बात कहूं? हाँ बोलो. दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है करने के लिए, ये बार बार मेरे ही घर में आग लगाने की कैसी सुस्ती आपको? अरे फ्रेडी यार, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो यार. मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ. मदद करने की कोशिश कर रहे थे? और क्या, कैसी मदद फ्रेडी? अरे कुछ नहीं यार, फ्रेडी को भाभी जी की याद आ रही थी तो मैं फोन लगा के दे रहा था इसे. सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगा रहा था सर. वो क्यों? वो बस एसीपी साहब दिल्ली गए थे, अभी अभी आ रहे हैं. बहुत जरूरी है तो फोन लगा दो. आ रहे सर. सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है क्या? कहां पे? मिनी स्मॉल, तुमने अपनी आंखों से देखा है? वहीं पे रुको, उस पर नजर रखो, समझे? हम लोग पहुंचते हैं. क्या अभिजीत, किसका फोन? मेरे खबरी का फोन था, उसने अभी अभी मिनी स्मॉल में केदार को देखा है. केदार? वही केदार जिसने टिकोला में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था? वही वही, स्क्रीन नंबर 5 में बैठ के पिक्चर देख रहा है. हमें मॉल पहुंचना होगा. कहां पे हो तुम? थर्ड फ्लोर पे. ठीक है, हम लोग आते हैं. थर्ड फ्लोर पे. आइए सर, आइए, मैं आपको दिखाता हूं. ये 5 में यहीं पे है सर. 5 में? तो देख, एक काम करो, देखो मैनेजर कहाँ बुला के ला. पक्का यकीन है भैया? हाँ सर, किधर ही है वो. आप चाहे तो खुद तलाश कर लीजिएगा, अंदर ही है वो. नहीं नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, फिल्म छूटने का इंतजार करते हैं. तब तक मैं ऐशर से बात कर लेता हूँ. ये फिल्म कितनी देर में खत्म होने वाली? सर थोड़ा टाइम है, 20 मिनट बाकी है. फिल्म का प्रीमियर है, काफी सारे मेहमान लोग आए हुए हैं. प्रीमियर?
अभिजीत, किसी फिल्म की प्रीमियर चल रही है, 30 मिनट में फिल्म खत्म हो जाएगी। 30 मिनट सर, बुलाया आपने? देखो मेरे सर, आपके इस 5 नंबर थिएटर में खतरनाक अपराधी है, हमें उसे पकड़ना है। अपराधी सर, वो अंदर किसी को कुछ कर ना दे, अंदर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोग फिल्म देख रहे हैं सर। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं यहाँ पे, मैं अपनी आंखों से जाकर देख के आता हूँ। अगर देखोगे कैसे सर? रेडी, हर तरफ ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, किसी में तो दिखा होगा वो। ये सीसीटीवी कैमरा रूम कहाँ है? सर वो नीचे सीढ़ियों के पास। क्या मैं यहीं पर रुकता हूँ, तुम इसके साथ जाकर देखो। ये 5 नंबर थिएटर जो है ना, जितने भी दरवाजे हैं ना, सब बंद करा दो, जैसे कि यही दरवाजा खुला रहेगा, ओके? और किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे क्या होने वाला। रेडी, साथ में जाओ। देखो, जया और विवेक मॉनिटर रूम में, तुम लोग मेन एंट्रेंस पर रहो, मैं थिएटर के गेट पे रहता हूँ। आज वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, ओके? अलर्ट रहना। थिएटर के लॉबी में जो कैमरास हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखनी है हमें, 11:30 से 12 के बीच। जी सर, अभी बताता हूँ। पहचान लोगे ना इसे, केदार को? हाँ, पहचान लूंगा, पीछे पीछे थिएटर तक गया था, एक बार सामने आएगा तो पहचान जाऊंगा। कोई ये 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 सब ये ये एक मिनट पास करो। साथ में लड़की कौन है इसके? मैं नहीं जानता। फिर आगे बढ़ाओ सर। ठीक कह रहे थे, यही केदार है। केदारी है वो? हाँ केदारी है, और उसके साथ एक लड़की भी है। मैं 5 नंबर स्क्रीन के बाहर ही खड़ा हूँ दया, काजल और सचिन ने भी पोजीशन ले रखी है, जैसे ही बाहर निकलेगा तब पहुँच लेंगे। फिल्म तो अच्छी है लेकिन बोरिंग है यार बीच बीच में। इतनी भी बुरी नहीं, निकल जाएगी। ये दरवाजा बंद है, वहां से जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, काम चल रहा है, वहां से जाओ। फिल्म वालों ने भी डॉन की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सही कहा। ये अगर मुझसे मिले तो पता चले कि डॉन क्या होता है। अरे सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर इस वक्त किसका फोन आ गया? गोटिया, क्या आग लग गई यार, क्या इमरजेंसी है, क्या बात कर रहा है? अभी ठीक है तो फोन रख, मैं देखता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? तुम्हारे चेहरे की हंसी अचानक कैसे गायब हो गई? बाहर सीआईडी वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी यहाँ? अब क्या होगा? होने का, पिछले 5 साल से सीआईडी मेरा इंतजार कर रही है, बस इंतजार कर रही है। एक काम कर, तू यहाँ से अकेले निकल कर, मैं नहीं चाहता कि मेरी वैसे तो किसी मुसीबत में निकल जा। तुम क्या करने वाले हो अभी? मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता, निकल जा। यू टेक केयर, चलो मिलते हैं, बाय।
मैंने तुझसे पहले भी कहा केदार, भागना बेकार है, मगर तू मानेगा नहीं। रुक, हिलना नहीं, वहीं पे खड़ा रहे चिपक के। बहुत दिनों से मुंह छुपा के घूम रहा है तू, काफी दिनों से तलाशी तेरी। क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या बोलना है? क्या बोलना है? जब ये हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। अरे पियानो मुंह से नहीं, उंगलियों से बजता है। अच्छा। बट बट आ, 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 क्या बजने लगता है? पियानो भागेगा? वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, वरना हाँ सचिन, हाँ मिल गया। भागने की बहुत कोशिश की मगर सर इस भगदड़ में काफी लोग घायल हो गए और कुछ लोग मारे भी गए सर। क्या, लोग मारे गए? ओह नो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सचिन एक काम करो, घायलों को अस्पताल पहुंचा दो, ठीक है? सुना, सुना तूने? तेरी वजह से लोग मर गए, घायल हुए बहुत सारे लोग। एक काम कर, तुझे वहां पहुंचाता हूं जहां तुझे होना चाहिए। चल। बोलो क्या हो रहा है तुम्हें? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सुनो, नर्स इंजेक्शन लेने दो। क्यों सर, क्या हुआ? इसकी तो मौत हो चुकी है। अब कैसी तबीयत है इन सबकी डॉक्टर साहब? सर बाकी सबकी हालत तो ठीक है, लेकिन इस मरीज की अभी अभी मौत हो गई। मौत हो गई? कैसे, क्या ज्यादा चोट लग गई थी? नहीं सर, ये तो ठीक हो रहा था, काफी रिकवर हो चुका था, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ। और ठीक हो रहा था तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई? सर इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ, क्या तर हुआ कैसे? सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। डॉक्टर सारोंके के पास भेज देते हैं, वही बताएंगे कि क्या हुआ है। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं सर, इस तरह की मौत की जांच होनी चाहिए। सारोंके, हम लोग यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं खड़े हैं। तू तो कुछ बताता ही नहीं है, आपस में खुसुर फुसुर हो रही है बस, और कुछ नहीं। खुसुर फुसुर की बात नहीं है बॉस, दरअसल डॉक्टर तारिका मुझे ये बता रहे हैं इस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई। क्या, जहर की वजह से? और मेरा टेस्ट भी यही कहता है बॉस, इस आदमी की मौत जहर से ही हुई। सारोंके जब थिएटर में भगदड़ मची तब ये आदमी घायल हुआ था, क्योंकि भागते भागते जहर खा लिया इसने। अभिजीत, हमने वही बताया जो हमें इस टेस्ट से पता चला। ये जहर मिला कहाँ से? इसके पेट में से। एक बात और बता दो बॉस। क्या? अगर ये आदमी भगदड़ में घायल हुआ होता तो इसके शरीर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट का निशान होता, होता? मगर इसके शरीर पे किसी किस्म का चोट का निशान नहीं है। देखो तो सांग की हो सकता है चोट शरीर के अंदर हो। नहीं, अंदर भी कोई डैमेज नहीं। जहर दिया किसने? किसने दिया है तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन कब दिया है ये बता सकता हूं। कब, कब दिया? इसके मरने के कोई 3 या 3.25 घंटे पहले। ये कैसे पता चला तुम्हें? देखो बॉस, इसके पेट में जो केमिकल मिला है ये जहर धीरे धीरे असर करता है। इस जहर को खाने के 3 घंटे के बाद आदमी की मौत होती है। जहर खाने के 3 घंटे बाद इस आदमी की मौत हुई है। भगदड़ मचने के 1.5 घंटे बाद
इसकी मौत हुई और भगदड़ मचने के डेढ़ घंटे पहले फिल्म का इंटरवल हुआ था। तो इसका मतलब साफ है, इस आदमी को जहर फिल्म के इंटरवल में ही दिया गया था। यस, इंटरवल में इसने कुछ ऐसा खाया होगा जिसमें जहर मिला होगा। मगर सर, इंटरवल में और भी तो लोगों ने खाया पिया होगा, उन्हें कैसे कुछ नहीं हुआ सर? ये भी तो हो सकता है फ्रेडी कि जहर सिर्फ इसी के लिए हो, किसी ने सिर्फ इसी के खाने में जहर मिला के दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत, खाने में ही जहर दिया गया इसे, ये सोचकर कि तीन घंटे के बाद पता नहीं ये आदमी कहाँ होगा, कहाँ मरेगा, किसी को पता भी नहीं चले, लेकिन ये तो वहीं गिर गया। मगर ये है कौन? सर, सर इसकी जेब में से हमें सिर्फ ये मुड़ा हुआ एंट्री पास मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिल्म के प्रीमियर का पास है, वीआईपी पास है सर। हाँ, इसका मतलब है अभिजीत, इस आदमी को किसी ने तो बुलाया था फिल्म देखने के लिए, और जिसने भी इसे बुलाया था लगता है जहर भी उसी ने ही दिया है। किसने बुलाया तो पता चल सकता है, थिएटर में जाके पूछताछ करते हैं। बिल्कुल रेडी, एक काम करो, इस आदमी की फोटोग्राफ सारे न्यूज़पेपर्स और सारे न्यूज चैनल में छपवा दो, कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे, जैसे पता चलेगा ये आदमी है कौन, ऐसे ही सामने आ जाएगा। साधु को देखा है यहाँ पे? यहाँ पे प्रीमियर शो के लिए आया था। ये तो मर चुका है सर। हाँ, इसका खून हो गया है। लेकिन सर, इसके खून होने का इसके यहाँ पर आने या ना आने से क्या मतलब है? इसे जहर दिया गया है, जहर, समझे? और वो भी यहाँ पर तुम्हारे इस थिएटर में। लेकिन सर, इसे यहाँ पर जहर कौन देगा? वही तो हम पता लगाने आए हैं, समझे? ध्यान से देखो, जानता कोई इसे? देखा है साथ में कोई यहाँ पे? सर, मैंने देखा है इनको, पीछे किसी पे बैठा हुआ था सर। चलो देखो, चलिए सर, तुम भी चलो। सर, उस साइड से तीसरी नंबर सीट पे। यस सर। यस सर। ये सब तो खास मेहमानों के लिए है ना, जिन्हें इनविटेशन से बुलाया गया। जी सर। किसने बुलाया था इसे? पर वो तो नहीं पता, प्रोड्यूसर को पता होगा। तो ये देखिए, खाने के सामान पड़ा है सर। तो मसालों से यहाँ की साफ सफाई किसने की है? सर, साफ सफाई तो उस लड़के ने की है, आज ही थोड़ी देर पहले सफाई की थी, वो भी आपसे पूछने के बाद। ये जो यहाँ पे कप और प्लेट्स वगैरह थी, कहाँ पे डाली तुमने? सर, डस्टबिन में डाला सारा कचरा। अच्छा, ये खाने पीने का सामान किसने लाके दिया था? सर, वो कैंटीन से पता चल जाएगा कि गेस्ट को कौन कौन देख रहा है। कैंटीन से? आइए सर, आइए सर। सर, यहाँ पर डाला था सारा कचरा, इसी डस्टबिन में। देख, एक साफ प्लास्टिक बैग लेके आओ जल्दी। जितने चाय के कप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, प्लेट हैं, जो भी है सब लेके चलेंगे अपने साथ। जो जो चीजें हैं इसमें, वो सारे फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, डॉक्टर सालूकी के पास। पता तो चले कि जहर किसमें दिया गया था। तब तक मैं इस कैंटीन वाले से पूछताछ करता हूँ, देखे खाने पीने की चीजें कौन लेकर गया था अंदर। सुनो, कैंटीन के इंचार्ज तुम हो ना? हाँ सर, मैं। कल जब यहाँ थिएटर में भगदड़ मची थी, उससे पहले कौन कौन लोग खाने पीने का सामान सर्व करने गए थे? सर, वो तो याद नहीं है, पर सर हम लिख कर रखते हैं कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे। तो चेक करके बताओ। एक मिनट सर। थिएटर नंबर 5 में कौन गया था? सर, थिएटर नंबर 5 में दो लोग थे, रामा और लोचन। ये दोनों है थिएटर में भी? नहीं सर, लोचन तो कल की भगदड़ में ही मर गया, और रामा आज आया नहीं। ये रामा क्यों नहीं आया आज, पता किया तुमने? सर, आज सुबह उसे फोन किया था, तो उसका फोन बंद आ रहा है। जो इस रामा का घर का पता देना और मोबाइल नंबर देना। सर, हमने उस आदमी को बुलाया ही नहीं था, हम उस आदमी को जानते तक नहीं है सर। किसी न किसी ने तो बुलाया होगा उसे, उसके जेब में से हमें उस प्रीमियर शो के वीआईपी पास मिले,
कोई ऐसे ही घुस के नहीं आता किसी शो में, समझे? किसने बुलाया उसे? किसने बुलाया? जल्दी सर, जिन जिन लोगों को हमने बुलाया था सर, उनके नाम लिखे हुए हैं हमारे पास। तो अगर हमने उसको बुलाया होता तो उसका नाम भी लिस्ट में होता? उसकी जेब में वो पास कहां से आया? इसका जवाब किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। सर मैंने तो उसको नहीं बुलाया, ये प्रोड्यूसर साहब हैं, इन्होंने बुलाया हो तो मैं कह नहीं सकता। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं अनजान आदमी को क्यों बुलाऊंगा? तुम राइटर हो तो कुछ भी कहानी लिख दोगे? कोई ऐसे ही वीआईपी के सीट में जाके बैठता है? तुम में से किसी ने उसे पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं, क्यों? इसका क्या मतलब होता है? क्यों? सर, सर ऐसा भी हो सकता है कि हो भी सकता है कि हमारे अलावा किसी और ने उसे बुलाया। वही वही हम पता लगा रहे। शॉल नंबर 12। चौल नंबर 12। सर दरवाजा खुला है सर, शायद घर के अंदर ही है। ये क्या, घर तो खाली है, कोई सामान वामान नहीं? सर अंदर भी खाली है। खाली है? खाली है तो क्या हुआ, कुछ तो पता चलेगा। पड़ोसों से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। रूम लेने को आए तुम लोग? तुम लोगों को किसने बोला कि ये घर खाली है करके? अपने ब्रोकर से बोलो कि एक महीने का भाड़ा लेगी मैं। मैडम हमारी बात सुनिए, भाड़े की बात में करते हैं। अरे रूम का मालिक ने मेरे को बोला है भाड़े पे चढ़ाने को। देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से और हमें कोई रूम नहीं लेना है। सीआईडी? हाँ, ये रामा यहीं पे रहता था ना? हाँ रहता था, मगर वो अब छोड़ के चला गया। कल रात में अपना सामान लेकर चला गया, बाकी का सामान लेने के लिए सुबह आया था। आप उसके होलिया के बारे में कुछ बता सकती हैं? कुछ इसके माफिक लगता था, उसके बाएं आंख के नीचे एक जला हुआ निशान था। और कुछ? एक आंख बार बार दबाता था। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ पे फिर से आ जाए तो हमें बता देना। जी जरूर। थैंक यू। बात ये है कि हमें कैंटीन का वेटर मिला। मिला क्यों? यू समझ लो कि हमने उसे पकड़ ही लिया। तो उसने हमें बताया कि वो जहर उसी ने दिया, उसी ने। मगर जहर देने के लिए तुम में से किसी ने कहा था। किसने कहा था? देखिए सर, हमने 16 लोगों को बुलाया था और वो लिस्ट भी हमने आपको दिखा दी है। अरे लिस्ट में छोड़ो, ये बात तो अब 16 लोगों के बहुत आगे निकल चुकी है। किसने दिया? सर आपने? सीधे फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूँ सर। थिएटर के अंदर से जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन और ग्लास मिले हमें, उनमें से एक कैन में जहर मिला डॉक्टर सालंकी को। ये लो, ये भी बात पक्की हो गई कि जहर थिएटर में ही दिया गया। इसका मतलब है वो जहर तुम में से किसी ने ही दिलवाया था। किसने? हेलो सीआईडी ब्यूरो। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? हाँ वो न्यूज़ तो हमने ही दी थी। अच्छा आप जानते हो उस आदमी को? क्या नाम क्या है उसका? कहाँ रहता कहाँ? हाँ एक 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 मिनट सर। ओके ओके ओके, आप एक काम करिए, आप वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। या थैंक यू सर। जिस आदमी को जहर दिया गया था उसका पता चल गया है, उसका नाम राजेश है और सैंटा क्रूज में रहता है। तू जाओ उसके घर जाके देखो। हाँ अब तुम लोग
जब तक केस की छानबीन नहीं होती, हमारे साथ ही रहोगे, हमारे मेहमान बनकर। एक बार मेरे को किसी ने गलत घर में भेज दिया, चप्पल फेंक के मारी थी घर की मालकिन ने, समझे? देख, मुझे फंसा मत देना, किसी और के घर में घुसा मत देना। ये घर वाकई में राजेश का है? हाँ सर, ये घर राजेश सर का ही है। राजेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं न्यूज़पेपर देता हूँ उनके यहाँ, पिछले एक साल से न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ। कल तो सर मैं घबरा ही गया जब उनके मरे हुए की फोटो अखबार में देखी। बस सर मैंने इसी वजह से मैंने आपको फोन किया। कौन कौन रहता है घर में? सर मैंने जब भी देखा सर वो अकेले ही देखे। जी आखिरी बार तुमने कब देखा था राजेश को? सर दो दिन पहले सर, उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर के पैसे दिए थे। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, हमें जरा इस घर की तलाशी लेनी है। ठीक है सर। रेडी? अच्छी तरीके से छान मारो। सर ये देखिए सर, फोन ठीक तरह से रखा हुआ नहीं है। लगता है राजेश जल्दी में था, फोन ठीक से रखा नहीं और निकल गया यहां से। शायद यहां से फोन किया होगा उसने। फोन आ भी तो सकता है फ्रेडी। एक काम करो, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो इस नंबर से कहां पे कॉल की गई थी या कहां से आखिरी कॉल आई थी। ओके? डॉक्टर सालुंके का कहना है कि कोडिंग से जहर दिया गया और कोडिंग सर्व करने वाला आदमी लापता है। लापता है, लेकिन कितनी देर तक बचेगा हमारे हाथों से? और फिर वो दूसरा रास्ता तो है ना, फोन वाला। फोन मतलब वो आदमी जिसने राजेश को फोन करके बुलाया? हाँ भाई भाई। हाँ फ्रेडी बताओ, कंपनी वालों ने क्या बताया? अच्छा, ठीक तरीके से पता किया ना। ओहो, जरा इस विक्रम का नंबर मुझे एसएमएस करो। क्या आखिरी फोन राजेश को किसी विक्रम नाम के आदमी ने किया था? विक्रम? हाँ, और तो और ये आदमी अभी भी मॉल में है और इसका फोन भी चल रहा है। कमाल है, अक्सर अपराधी गुनाह करने के बाद फोन फेंक देता है और ये आदमी फोन लेके मॉल में घूम रहा है। मुझे लगता है सचिन ये आदमी मॉल में नहीं थिएटर में होगा। मुझे लगता है ये आदमी कोई मेनियक है जो फिल्म देखते देखते फोन करता है। पहला खून उसने थिएटर में किया, अब दूसरा खून करने के चक्कर में। चलो मॉल की तरफ ही गाड़ी घुमा लेते हैं। मेरा नंबर तो नहीं है। ये क्या तरीका है यार? सॉरी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। आप बैठो। सॉरी सॉरी, बैठो बैठो। साइलेंट पे भी होता कुछ तो हलचल होती। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं और? बाहर भी हो सकता है, कंपनी ने बोला है कि मॉल में है फोन कहीं पे। बाहर देखें क्या।
आवाज इस तरफ से आ रही है। फिर से लगाता हूं उसे। किसका फोन है ये? सर विक्रम का। आइए विक्रम। सर वो अभी अभी स्क्रीन नंबर 4 में कोल्ड ड्रिंक लेके गया है। स्क्रीन नंबर 4? सचिन स्क्रीन नंबर 4 में जाके देखो कहीं भाग ना जाए। विक्रम तुम? हाँ बोलो। कुछ काम प्रॉब्लम्स? अरे लेकिन तुम हो कौन? आपका दोस्त ही समझ। चलो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम पता नहीं जान पहचान तो हो जाएगी। अभी धंधे का टाइम है, जाओ बाद में आता हूँ। धंधा तो तुम्हारा मैं करवाता हूँ। अरे क्यों मीटिंग क्या कर रहे हो? अभिजीत यही फोन है, किसी से कॉल करके राजेश को यहाँ पे बुलाया गया और फिर जहर देके उसका खून कर दिया। यहाँ फोन करके क्यों बुलाया है? जो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है, कहीं और भी तो बुला सकता था। सर ये ना विक्रम, राजेश को इसी ने बुलाया होगा, खून भी इसी ने किया। नहीं सर, सर मैंने कोई खून नहीं किया। सर सर मैं तो जानता भी नहीं राजेश कौन है। तो फोन क्यों किया उसको? सर मैंने फोन नहीं किया उसे। सर मैं जानते नहीं उसे तो फिर फोन क्यों करूंगा? जितने भी फोन कॉल्स आए हैं राजेश को, उन सब की लिस्ट है हमारे पास और उसमें तुम्हारा नंबर भी है। आखिरी फोन कॉल तुम्हारे नंबर से किया गया था उसे। सर शायद मेरे फोन किसी और ने यूज किया होगा। तुम्हारा फोन कोई और क्यों यूज करेगा? शायद मुझे फंसाने के लिए। सर कोई तुम्हें क्यों फंसाएगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? मालूम नहीं, हर बात में मालूम नहीं। एक आदमी का खून हो गया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? फोन तुम्हारा दूसरा आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सर मैं हमेशा अपना फोन वहीं पे चार्ज पे लगा के जाता हूँ और माल बेचने अंदर चला जाता हूँ और जब तक बाहर नहीं आता फोन वहीं पे लगा रहता है। सर अगर किसी और ने भी तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया है तो कौन हो सकता है? किसी पे शक है तुम्हें? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। जाओ अभिजीत। ये कैंटीन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके फुटेज से पता चल सकता है कि यहाँ से वो फोन कॉल किसने किया होगा। जिस दिन फिल्म का प्रीमियर हुआ है उस दिन कैंटीन वाले कैमरा ने क्या क्या देखा है, क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, दिखाओ जरा। जी सर। ये विक्रम सही कह रहा था, फोन चार्जिंग पे रखा हुआ है। किसी ने फोन उठा लिया चार्जिंग से, पर ये विक्रम नहीं है, कोई और है, काला कोट पहना हुआ है। मगर सर इसका तो हाथ ही दिखाई दिया। चेहरा ना दिख जाए इसका पूरा ध्यान रखा है। कोई यहीं का आदमी है, उसे मालूम है कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। मॉल में इतने सारे कैमरे लगे हुए, छुपके जाएगा कहाँ वो? किसी ना किसी कैमरे में जरूर दिखाई देगा। कैंटीन के आसपास जितने कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दो। जी सर अभी दिखाता हूँ। एक बात तो साफ है, जिसने ये फोन उठाया चार्जिंग से उसी ने बुलाया था राजेश को। ये तो राजेश है, इंतजार कर रहा है किसी का। ये तो वही हाथ है जिसने मोबाइल निकाला था चार्जिंग से। देखा गया कौन है? इसके पहले कि ये हमारे चंगुल से निकल जाए इसको दावत पे ले चलते हैं।
भी भाग रहा है। बहुत रोना बाकी है। राजेश को तूने ही मारा है ना? मैंने ही मरवाया था राजेश को। सर सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मगर क्यों क्यों मरवाया था ये तो बताओ। सर उसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई थी, नफरत करता था मैं उससे। नरक बन गई जिंदगी? कैसे? मैं और राजेश हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, हम दोनों ने एग्जाम भी साथ दिए, लेकिन लेकिन उसने मुझे फंसा दिया, उसने नकल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। तो तुम नकल नहीं कर रहे थे? नहीं, वो कर रहा था। लेकिन तुम कैसे फंस गए? उसने अपनी नकल वाली पर्ची मेरे डेस्क के पास फेंक दी और मैं पकड़ा गया। और तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला? कैसे मिलता, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो बड़े बाप का बेटा था ना, सबने उसी की बात मानी। फिर क्या हुआ? अरे इस बात से मेरे पापा को बहुत धक्का लगा, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और उसी दिन मैंने ये ठान लिया कि इस बात का बदला मैं राजेश से लेकर रहूंगा। जहर कैसे दिया उसे? मैंने रामा को कुछ पैसे देकर पटा लिया था। फिर? उसके बाद मैंने राजेश को फिल्म के बहाने फोन करके बुलाया। पास कहां से मिला तुमको? प्रोड्यूसर का जो असिस्टेंट है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर, उसी ने दिया। और जहर, वो जहर कब खिला? इंटरवल में जब रामा खाने का सामान बेचने के लिए लेकर गया तो तभी उसने कोल्ड ड्रिंक में शहर मिला दिया। माना कि राजेश ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सजा दोगे, समझे? अब जेल में दोनों बैठना, फांसी का इंतजार करते हैं।